Hello friends, good evening. Welcome to our channel All Is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on mensuration and menstruation. We will continue with part 4. Okay. So what we have seen yesterday, we have seen previous classes that we have already learned about what is 2D diagram and in 2D rectangle, triangles, and in triangle special type of triangle quadrilaterals. Okay. And after that we have seen circle also. Okay. And today what we will do, we will start with the circle minor part. Actually, circle's minor part has left. Okay, so we will start with the sector of the circle. Okay, but today we will do in 3D diagram. Okay, so we will find out area and perimeter of solid diagram. Solid diagram, that means 3D diagram. For example, cuboid, cubes, cylinder, cones, sphere, etc. Okay. तो आज आपका लगभग आपका 2D खत्म हो जाएगा. ठीक है, 2D diagram जितने भी खत्म हो जाएंगे. इनफैक्ट खत्म हो चुके हैं, पर सेक्टर थोड़ा सा पार्ट है सर्किल का जो कि बच गया है, तो हम सोच रहे हैं उसको भी कंप्लीट करवा लेते हैं. दिस इज द सर्किल. ठीक है, ये हम सब जानते हैं. पिछले दो दिन से हम सर्किल्स पढ़ रहे हैं. तो सर्किल में क्या होता है ना, एक सेंटर होता है, दिस ऑल्सो वी ऑल नो. और सेंटर से जब भी हम एक लाइन सर्किल को टच करता हुआ खींचते हैं, तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. यानी कि दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो आर. अगर हम इसको नेमिंग करेंगे तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा. ठीक है, तो ए बी हो जाएगा और ये सेंटर को हम ओ नेम से डिनोट कर देते. ओके, तो अगर हम बोलते हैं यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं. एक्चुअली सपोज एक केक होता ना, अगर गोल शेप का एक केक है, उसको हम कट करते हैं, तो नॉर्मली जो पीस निकलता है, समझ जाइए दैट इज द सेक्टर. ओके, तो सेक्टर उसी को बोलते हैं. यानी कि सपोज पिज्जा, ओके, यू ऑल नो उसमें ऑलरेडी कटा हुआ रहता, तो जो पीस निकलता है ना, तो जो पीसेस निकलती है वो एक सेक्टर हो जाता है, शटर के फॉर्म में. दैट मीन्स एक सर्किल है, उसका एक पार्ट हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. तो जो एक पार्ट निकाल रहे हैं उसका कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, तो जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा. जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा. और जो आर्क है इसको हम आर्क बोलते हैं. ओके, आर्क किसको बोलते हैं, एक्चुअली सर्किल का किसी भी पार्ट को, कोई भी पार्ट, आप छोटा सा पार्ट उसके अगर सर्कमफेरेंस से निकाल लेते हैं तो उसको हम नॉर्मली आर्क बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सर्कमफेरेंस है, इसका छोटा पार्ट हम निकाले दैट इज ए बी. तो ए बी का ये माइनर पार्ट है, ए बी जो इस साइड से हम ए बी को काउंट करेंगे, दिस इज माइनर आर्क, विल से इट माइनर आर्क. ओके, अगर हम ग्रेटर आर्क की बात करते हैं तो हम ये वाला पार्ट है ग्रेटर आर्क. नेमिंग दोनों में सेम ही होगा, दोनों में हम क्या बोलेंगे, ए बी. ए बी और आर्क का साइन कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, आर्क का साइन कुछ इस तरीके से होता है. और जो बड़े वाला जो आपका आर्क हो जा रहा है ना, ये भी पूरा आर्क है ए से लेकर बी तक, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, मेजर आर्क. ओके, और दोनों को ही हम इसी चीज से डिनोट करते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हमें मेंशन करना रहता है कि हम छोटे आर्क की बात कर रहे हैं या फिर बड़े आर्क की बात कर रहे हैं, तो वहां पे लिखा हो रहा था ऑलरेडी कि माइनर ए बी आर्क लेना है या फिर मेजर ए बी आर्क लेना. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ आपका माइनर पार्ट का, यानी कि सिर्फ दिस पार्ट का. तो हम इसको अलग से यहाँ पे निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से. ये ए, ये बी, ये ओ, ये आर और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है दैट इज थीटा. ओके, अब मेरे को इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ इस पार्ट का, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर. इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्किल. सो बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्किल. तो आज का टॉपिक भी यही है मेरा, सेक्टर ऑफ द सर्किल, सेक्टर ऑफ द सर्किल. ओके, नाउ अब इस सेक्टर का क्या चाहिए मुझे, मान लीजिए एरिया फाइंड आउट करना है या फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या फिर अगर हम इसका हम क्या बोलेंगे, एरिया, सपोज एरिया निकाले बोला जाता है, या फिर इस आर्क का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता क्या है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है थीटा, ये थीटा है. ठीक है, जो एंगल है वो डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द टोटल सर्किल, जिस सर्किल से ये निकला है ना उसका पूरा एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल. ठीक है, तो
अब हम क्या जानते हैं, थीटा तो थीटा ही होगा, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर। अब ये फॉर्मूला नॉर्मली आता कैसे, तो नॉर्मली इस तरीके से आता है, वी ऑल नो कि एक सेंटर है, ठीक है, एक सेंटर से पूरा जो आपका एंगल बनता है, एक अगर कहीं भी एक सेंटर लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, तो उसके चारों तरफ का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का, कितना बनता है, 360 डिग्री का। दैट मीन्स 360 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है पूरा भी, तो इसका मतलब 360 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब ये 360 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ये 360 डिग्री बन रहा है, अगर इसको हम नॉर्मली, ये एक्चुअली पूरा का एरिया बता रहा, इस पूरे पार्ट का एरिया बता रहा 360 डिग्री, अगर ये एक्चुअली बता क्या रहा है, एरिया ऑफ सर्किल बता रहा। अगर मान लीजिए हम सिर्फ इस एंगल का निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये एंगल मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री है, 1 डिग्री एंगल है, थीटा क्या है, मतलब कि 1 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। अगर मेरे को सिर्फ 1 डिग्री का, सपोज 1 डिग्री का सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, उसका एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/360 कर देंगे, 1/ क्या कर देंगे, 360 डिग्री कर देंगे, ठीक है, 1/360 डिग्री कर देंगे। तो 1/ अगर 360 डिग्री करेंगे, तो ये जो 360 है, ये अगर आप इसको 360 डिग्री है, ये नॉर्मली इज इक्वल टू दिस, ओके, तो अगर हम 1/60 करेंगे तो भी आपका क्या बताएगा, ये आपका 1 डिग्री का एरिया बताएगा, ठीक है, 1/360 करेंगे तो 1 डिग्री का एरिया बनाएगा, और मल्टीप्लाई बाई इसमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्किल, ओके, बस यही चीज है। तो नॉर्मली सपोज यहाँ पे अगर 60 डिग्री अगर थीटा रहता है, थीटा अगर 60 डिग्री रहता है, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री हो जाएगा इंटू पाई, और आर आपका कुछ भी रहता है, आर का वैल्यू पुट कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर, ओके। तो जस्ट ये एग्जांपल था, अगर 60 डिग्री होता है तो कैसे करते हैं, अगर ये 60 डिग्री ना हो, अगर ये 90 डिग्री हो, या फिर आपका 135 डिग्री हो, या फिर कितना भी डिग्री हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बस आपका सिंपल इस फॉर्मूला में पुट करके बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसका क्या चाहते हैं, सिर्फ इस आर्क का, अगर सिर्फ ए बी आर्क जो है उसका अगर हम क्या चाहते हैं, आपका पेरीमीटर चाहते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ आर्क ए बी, पेरीमीटर ऑफ आर्क ए बी, तो पेरीमीटर ऑफ आर्क ए बी अगर हम चाहते हैं, आर्क ए बी नहीं बोलते, हाँ आर्क ए बी बोलते हैं, ठीक है, आर्क ए बी बोलते हैं, माइनर हम ब्रैकेट में माइनर लिख लेते हैं, यानी कि माइनर आर्क चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ओके, यानी कि ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और आर होता है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके, ये किसका फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ आर्क निकालने का फॉर्मूला है, सिर्फ आर्क। अब ये फॉर्मूले की कैसे आया, तो जिस तरीके से यहाँ पे जब हम पूरा ले रहे थे, पूरा एरिया ले रहे थे, तो क्या हो रहा था, वो 1 डिग्री को बता रहा था, यानी कि 360 डिग्री अगर हम पूरा सर्किल का लेते हैं, तो 360 डिग्री किसको बताता है, पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बताता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बताता है, ऑफ सर्किल। और वही अगर 360 डिग्री के जगह पे अगर हम 1 डिग्री का लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ये थीटा बाय जितना भी आपका 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा, 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, मतलब वही चीज है, ठीक है, हम कितना भी एंगल का निकालना अगर चाहेंगे, तो हम एंगल बाय क्या करते हैं, 360 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि पूरा जो होता है ना, वो आपका 360 डिग्री का एंगल बनाता है, आपका सेंटर जो है वो आपका टोटल एक सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3/60, तो वहीं से ये चीज आ रहा है, ठीक है।
टेक अ स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्या आएगा एक्चुअली ये तो बस आर्क निकला पेरीमीटर ऑफ किसका आर्क का एबी का अब अगर अगर हम क्या चाहेंगे पूरा इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना चाहेंगे पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकालना चाहे तो नॉर्मली इसका ये आर्क का तो मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये तो आपके इस इसके लिए पेरीमीटर हो ही रहा है पेरीमीटर इज व्हाट बाउंड्री है जो भी हो पूरा तो ये जो आर्क है इसका जो पेरीमीटर हम यहाँ पे निकाले हैं वो मेरा तो रहेगा ही रहेगा साथ में हम प्लस किसो किसो करेंगे एक इस आर्क को प्लस करेंगे और इस आर्क को प्लस करेंगे यानी कि दोनों रेडियोस को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो नॉर्मली पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर अगर निकालना चाहे सेक्टर क्या है आपका ए ओ बी ठीक है ए ओ बी सेक्टर है तो अगर हम इसको निकालना चाहे तो नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं एक तो ये आपका हो जाएगा आर्क का पेरीमीटर दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस ये आर और ये आर यानी कि 2 आर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट सेक्टर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ओके तो इसको अगर हम ऊपर में सही से लिखते हैं इसको रफ करते हैं तो अगर हम यहाँ पे क्या करें 2R को कॉमन ले लेते हैं ठीक है 2R को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा क्या मेरे को यहाँ पे थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई प्लस 1 ठीक है ऐसे लिखा जा सकता टू आर को कॉमन कर लेना हाँ ऐसे लिख सकते हैं एल्स ऐसा भी किया जा सकता है यहां से अगर हम कैंसिल कर दें 2 से तो ये 180 बाय में कट जाएगा तो मेरे को मिल क्या रहा है पाई आर डिवाइडेड बाय 180 डिग्री 2 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया 360 से तो 180 बन गया प्लस क्या है 2R अब हम क्या करेंगे आर को कॉमन बस लेंगे तो पाई बाई 180 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 2 तो ये भी आपका एक सेक्टर का आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया ये सेक्टर के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया दिस वन ओके टेक अ स्क्रीनशॉट ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि मुझे अच्छे से समझ में आता है एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 3D पे मूव करेंगे ये क्या है एक रैंडम क्वेश्चन करते हैं दिस इज द सेक्टर ऑफ एनी सर्किल इसका सेंटर ओ है इसका आपका रेडियस आर है और ये आपका ए बी ठीक है मुझे पूछा गया सपोज पेरीमीटर बताइए आर की वैल्यू एंगल आपका दिया हुआ है थीटा थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री दिया हुआ है और आपका आर का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 28 सेंटीमीटर आपको क्या पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट आपको क्या बताना है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज थीटा तो हमको क्या पता है अभी हम सेक्टर का क्या निकाले पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाले तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एओबी एओबी सेक्टर का पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम नॉर्मली थीटा वाई अब हमको पता है जब हम सिर्फ आर्क पर निकालेंगे तो क्या होता है थीटा वाई 360 डिग्री इंटू आपका हो जाएगा टोटल सर्किल का ये सर्कमफेरेंस वो कितना हो जाता है 2 बाई आर अगेन एट 2 आर तो ये क्या है 60 डिग्री है डिवाइडेड बाई 360 थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर आर कितना है 28 फाइंड आउट 2 इंटू 28 ओके जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया 366 36 ठीक है 7 4 28 2 से 2 3
कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मुझे क्या मिल रहा है ये 4 2 8 और 4 2 88 बाई 3 प्लस उसको भी आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 6 4 1 5 56 और तो आपका अब आप क्या कर सकते हैं इसको पॉइंट में फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपका 3 2 6 और 28 3 9 27 10 3 3 9 अगेन 10 इतना आ रहा प्लस 56 देख लिया हम क्या कर लेंगे अब ऐड अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 10 15 5 कैरी 1 5 6 7 1 8 85.33 सेंटीमीटर ओके तो पेरीमीटर कितना आ गया 85.33 सेंटीमीटर कुछ नहीं किया है सिंपल है थीटा का वैल्यू जैसा था वैसे ही हम पुट कर दिए हैं आपका आर का वैल्यू दिया हुआ दैट इज उसको हम पुट कर दिए और डायरेक्टली कैलकुलेशन किए ओके टेक अ स्क्रीनशॉट नेक्स्ट आपका क्या है अब हम क्या चाहते हैं सीधा हम अपना 2D मेरा खत्म हो गया ठीक है सर्किल के ऊपर ऑलरेडी हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में और स्टडी केस में भी देख चुके हैं सब कुछ तो आज हम क्या देखेंगे आज हम 2D मेरा आज फिनिश होता है ठीक है नॉर्मली आज हम किसके बारे में बात करेंगे 3D के बारे में 3 डायमेंशनल बॉडी इसको हम सॉलिड्स बोलते हैं ठीक है 3D इसमें क्या होता है एक्चुअली जैसे कि 2D में क्या होता था कि आपका यहाँ पर लेंथ रहता था या फिर ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ रहता था सिर्फ दो चीज लेकिन 3D में क्या होता है ना कि आपका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट या तीनों रहेगा या फिर लेंथ ब्रेथ और थिकनेस वी कैन से तो कोई भी ऐसा डायग्राम जो नॉर्मली आपको 3 डायमेंशनल थे ठीक है 3 डायमेंशनल थे उसको हम क्या 3D के अंदर ले आएंगे उस टाइप के सरफेस को अब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उस तरह के सरफेस में एक्चुअली डिफरेंस क्या हो जाता है एक तो आपका डायमेंशन का डिफरेंस हो जाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम एक क्यूब लेते हैं यहाँ पे इस तरह से आप देखे होंगे इस तरह के क्यूब ठीक है तो क्यूब में एक्चुअली क्या है एक तो आपका नॉर्मल ये लेंथ रहेगा ठीक है ये साइड रहेगा दो साइड हो गया और अगेन ये आपका थिकनेस रहता है ठीक है तो आपके पास क्या है ये तो एल हो गया ये आपका ब्रेथ हो गया ये आपका हाइट बोलिए या फिर थिक अच्छा इसको हम हाइट ले लेते हैं इसको हम लेंथ ले लेते हैं और ये आपका ब्रेथ हो गया ठीक है यानी कि 3 आपका क्या रहेगा 3 वैल्यूज आपके दिए हुए रहेंगे ठीक है या फिर लेंथ ब्रेथ हाइट और लेंथ ब्रेथ और थिकनेस कोई भी जगह पे 3 आपके वैल्यूज दिए हैं इसमें फाइंड भी करते हैं उस तरीके से इसमें सिर्फ एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं करते हैं जिस तरह से हम एक्चुअली इसमें देखें आपका एक आपका 2D से ही एक्चुअली 3D बनता है आप देख रहे होंगे कि ये आपका क्या एक स्क्वायर शेप में ठीक है एक क्या है स्क्वायर शेप में अगेन आप पीछे भी देखो एक स्क्वायर शेप है ठीक है यहाँ पे भी एक स्क्वायर शेप है और उसी तरीके से इधर भी है ऊपर भी है और नीचे भी है दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे कितना है 6 स्क्वायर है और ये बन क्या रहा है 6 स्क्वायर जो है आपका मिल के बना रहा है यहाँ पे क्यूब बना रहा ये आपका क्या है 2D है ये आपका क्या है 3D है ठीक है 3 डायमेंशनल बॉडी तो आपके डायमेंशन कितने हुए जैसे कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दीज आर डायमेंशन स्क्वायर में क्या होता था सिर्फ लेंथ होता एक्चुअली इसमें सिर्फ लेंथ या ब्रेथ होता यानी कि इसमें साइड होता था एक्चुअली ए तो हम ए ए करते थे यानी कि दो ही आपके डायमेंशन थे यहाँ पे क्या है क्यूब है यानी कि इसमें क्या है 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑल दो क्यूब में क्या होता है सेम होता है फिर हम क्या लेते हैं इसको ए इसको भी ए और इसको भी ए जिस तरह से हम इसमें लेते थे ना स्क्वायर में दोनों को ए लेते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही होता है वैल्यू क्योंकि स्क्वायर क्या होता है आपका इसके साइड इक्वल होते हैं पर अगर हम क्यूबॉइड पे देखेंगे ना तब मेरे को क्या दिखाई देगा डिफरेंस दिखा देगा जिस तरह से स्क्वायर से क्यूब बना हुआ है उसी तरह से रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बना है रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बना है ओके अब क्यूबॉइड में क्या होता है सपोज ये क्या है आपका रेक्टेंगल से इसको हम ऐड कर दिए यहाँ पे इसको ज्वाइन किया इसको ज्वाइन अब आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है ये आपका लेंथ है ये आपका क्या बन रहा है ब्रेथ है और ये जो हाइट है ये क्या है हाइट है ठीक है तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है 6 रेक्टेंगल्स है 1 नीचे 2 3 इस साइड उस साइड आप माचिस का डब्बा देखे होंगे मैच बॉक्स मैच स्टिक के बॉक्स देखे होंगे तो उसमें क्या होता है 6 आपके क्या होते हैं मैच बॉक्स आपका क्या है एक्चुअली ये आपका
एग्जाम्पल एक तरह का क्यूबॉइड है, ठीक है, तो उसमें भी लेंथ ब्रेथ, आप रूम की अपने रूम की देखिए चारों ओर, तो रूम में भी आपका क्या होता है, लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, एक हाइट होता है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसके अलावा आप बुक कॉपी कुछ भी देख सकते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है मेरे पास यहाँ पे, तो ये क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे ये लेंथ बता रहा है, ये ब्रेथ बता रहा है, और यहाँ पे जो मोटाई है ये वाला चीज वो क्या हो जा रहा है, इसका थिकनेस हो जा रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे तीन चीज है, तो हम देख रहे हैं कि तीन तरह का बॉडी। तो अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में बात करें, ठीक है। थ्रीडी में अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में, जिसका डायग्राम अभी हम बनाए, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है। बेसिकली तो इतना ही होता है नॉर्मली, अभी तक इतना ही पढ़ना है आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। कुछ कुछ और भी होता है, डायग्राम जैसे कि आपका हो जाता है यहाँ पे प्रिज्म आ जाता है, ठीक है, वो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो आपका बहुत ही अगर रहेगा तो पढ़ा रहे, ठीक है, लेकिन मेन आपका ये सारी चीज़ है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली हम जाएंगे, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में, इसको हम क्या बोले, एरिया क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में, थ्री डी हम पढ़ रहे हैं आज, सॉलिड डायग्राम है, ठीक है, सॉलिड है आपका, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा लेंथ है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ब्रेथ है, और ये जो हाइट है ये मेरा हाइट है। और हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं L इज इक्वल टू लेंथ, P इज इक्वल टू ब्रेथ एंड S इज इक्वल टू हाइट, ओके, ये तीन चीज हो गया। अब बात करते हैं डायगोनल की, अच्छा डायगोनल बात बताएंगे, पहले हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो अब ये सरफेस आपको दिख रहा है, आपके मन में ये चीज आएगा कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो एक्चुअली ना इसमें, इस बॉडी में नॉर्मली हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं, एक तो आपका एरिया जो कि आप टूडी में भी पढ़ते थे, दूसरा आपका पेरीमीटर जो कि आप टूडी में पढ़ते थे, तो और तीसरा आपका होता है लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ये न्यू चीज है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम एरिया बात करते हैं ना, तो इसमें दो एरिया, जब भी हम थ्री डी डायग्राम की बात करते हैं मुझे दो एरिया के बारे में पढ़ना रहता है, एक तो आपका टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो मतलब हम सारा एरिया के बारे में बात करें, ऊपर नीचे इधर इस साइड इस साइड इस साइड, मतलब छह आपका इसमें क्या है। एक चीज और जान लीजिए, इसमें होता क्या क्या है, आप देखो इसमें आप देखेंगे तो आपके पास इस डायग्राम में नॉर्मली कितने आपके पास वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर्स, कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास वर्टेक्स कितने हैं, तो आपके पास कितने वर्टेक्स हैं इस डायग्राम में, आपके पास वर्टेक्स है 8, ओके। उसके बाद आपको अगर पूछा जाए कि इसमें टोटल सरफेस कितना है, ठीक है, सरफेस कितना है इसी पर, तो कितना है, आप देखे होंगे मैच बॉक्स को, मैच स्टिक के बॉक्स को, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, आप देखोगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया पीछे वाला, ये 3, ये 4 और ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, टोटल 6, आपके पास टोटल सरफेस कितने 6 है। उसके बाद और क्या पॉइंट है, साइड्स कितने, ठीक है, इसमें कितने साइड्स हैं, साइड आपके पास कितने हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे पास कितने साइड्स हैं, टोटल देखो 1 2 3 4, नीचे 4 ऊपर 4, 1 2 3 4, 4 4 8,
5, 6, 7, 8 तो मेरे पास कितने हैं 12 सॉरी 4, 4, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 तो मेरे पास वर्टेक्स कितने हो गए 8 सरफेस कितने हो गए मेरे को 6 मिल रहा है और साइड्स कितने हो गए टोटल 12 ओके तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपके पास इस तरह का डायग्राम है ठीक है तो नॉर्मली अब हम क्या बात करेंगे एरिया के बारे में बात करते ओके सबसे पहले अगर हम एरिया के बारे में बात करेंगे तो हम क्या जानेंगे कि दो एरिया होता है एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक आपका होता है लैटरल सरफेस एरिया सबसे पहले हम क्या करते हैं लैटरल सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो इसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल में LSA जब भी हम LSA लिखें तो समझ जाइएगा क्या है लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं समझो शॉर्टली हम इसको LSA लिखते हैं तो एक्चुअली लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो हम सिर्फ फोर वॉल की एरिया की बात करते हैं ठीक है एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना जैसे कि ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H एक्चुअली होता क्या है कि हम सिर्फ फोर वॉल की बात करते हैं यानी कि अगर आप देखें इसकी जरूरत क्या होती है नॉर्मली जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि जैसे कि एक रूम है उस पे आप टॉप पे और फ्लोर पे पेंट नहीं कर रहे हैं यानी कि ऊपर में पेंट नहीं कर रहे हैं नीचे पेंट नहीं कर रहे तो आप बाकी दीवारों पे पेंट कर रहे हैं तो बाकी कितने दीवार मेरे पास चार ही दीवार है ना ऊपर नीचे मेरे पास टोटल सर्फेस कितना 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं ठीक है ऊपर बोला जा रहा छोड़ दीजिए नीचे बोला जा रहा फ्लोर को छोड़ दीजिए आपको पेंट किसमें करना है सिर्फ और सिर्फ फोर वॉल पे पेंट करना है उस समय उसका कितना एरिया पूछा जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं या फिर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका फॉर्मूला 2 × L + B × H इससे क्या पता चलेगा मुझे सिर्फ फोर वॉल का एरिया पता चलेगा यानी कि ये एरिया पार्ट ठीक है ये पीछे वाला पार्ट ये पार्ट और आपका ये वाला पार्ट जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ठीक है ये फ्रंट है यानी कि ये बच गया और ऊपर वाला बच गया टॉप और बॉटम इसमें तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि रीडिंग उतना है नहीं तो हमने बताने की कोशिश की है तो आपके पास क्या है फोर वॉल अगर आप अपने चारों ओर देख रहे होंगे तो आपके पास एक वॉल होगा चार वॉल होगा ठीक है आप सिर्फ फोर वॉल में पेंट कर रहे हैं ऊपर फ्लोर को ऊपर को टॉप को छोड़ दे रहे हैं और नीचे का फ्लोर को छोड़ दे रहे हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे ठीक है तो यानी कि जब भी ऊपर टॉप को छोड़ देते हैं और नीचे का दोनों का हम क्या नहीं लेते हैं एरिया नहीं लेते ठीक है एरिया माइनस कर देते हैं टोटल में से उतना का एरिया ऊपर वाले का हटा दिए नीचे वाले का हटा दिए बाकी चारों का लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया ठीक है अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया को हम जैसे फुल फॉर्म होता है TSA जब भी TSA लिखे समझ जाना है क्या है कि टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अब मेरे को क्या पता है ये मेरा लेंथ है ये मेरा ब्रेथ है अब यहाँ पे इसके पीछे जाएगा तो वहां भी क्या होगा उसके पीछे वाला जो सरफेस उसमें भी एक लेंथ है और एक ब्रेथ है ठीक है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओपोजिट साइड्स इक्वल है ठीक है ओपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है तो हम एक एक का बात करेंगे ये लेंथ है ये ब्रेथ है यानी कि एक जो आपका एरिया आ जाएगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा अब बात करें इधर वाले का इधर में क्या है हाइट और ब्रेथ है तो आप क्या करेंगे प्लस ये मतलब हाइट और ये ब्रेथ है ठीक है बी इंटू एच ठीक है प्लस अब आप क्या करेंगे इसका बात अब नीचे वाले का बात करते हैं एल इंटू क्या हो रहा है बी हो रहा है हम क्या किए तीन आपका क्या ले लिए अलग अलग आपका तीन जो अलग अलग हो उसका हम क्या ले लिए एरिया ले लिए एक हम इसका एरिया ले लिए लेंथ इनटू ब्रेथ और लेंथ इनटू ब्रेथ और एक हम इस वाले का इस सरफेस का एरिया ले लिए ब्रेथ इनटू हाइट और हम नीचे वाले का एक ले लिए दैट इज नीचे वाले का ही एल इंटू बी है अच्छा दो बार हो गया सॉरी ये एल इंटू बी इधर वाले का नीचे वाले का हो गया ये फ्रंट वाले का क्या हो जाएगा यही फॉर्मूला हो गया ठीक है
है, दो बार हो गया, इसलिए एक बार ऑफ कर देते हैं। सेम ही चीज है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया का क्या है, फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि मेरा 2D में नहीं होता, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तीनों डायमेंशंस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये क्या है, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्यूबॉइड का से, ठीक है। एक और चीज आता है दैट इज, जो कि हम 2D में भी सुने हैं, दैट इज डायगोनल। डायगोनल क्या होता है ना, ये इस कॉर्नर से पूरा, मतलब ठीक है, डायगोनल क्या होता है ना कि सबसे लंबा जो लेंथ होता है ना वो हम फिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा लेंथ कैसे फिट कर सकते हैं, इस कॉर्नर से पूरे इस कॉर्नर तक अगर हम फिट करेंगे तो मेरे पास सबसे लंबा लेंथ क्या होगा, आपका एक कोई भी अगर लेंथ सपोज कोई बोला जाता है नॉर्मली कि जो डायगोनल होता है ना वो आपका मैक्सिमम लेंथ होता है एक आपके किसी भी डायग्राम, ठीक है। अगर डायगोनल से बाकी सब लेंथ आपका छोटा ही होता है, चाहे वो लेंथ लीजिए, ब्रेथ लीजिए या फिर हाइट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायगोनल का लेंथ अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, डायगोनल का फॉर्मूला देखते हैं निकालने का, तो क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका डायगोनल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड का बस इतना ही है, ठीक है। हमको फाइंड आउट करने नॉर्मली इतनी ही चीज बोली जाती है, टोटल सरफेस एरिया निकालिए या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालिए या फिर वॉल्यूम बताइए या फिर डायगोनल बताइए, इससे ऊपर नहीं जाता है क्वेश्चन, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है ना, अब हम क्यूब तो हो गया, अब हम क्या बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे, क्यूब के बारे में, ठीक है। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, एक्चुअली देखिए क्यूब में क्या होता है, क्यूब का शेप कुछ इस तरीके से होता है, दोनों को साथ में इसमें पढ़ते हैं ना नॉर्मली, क्योंकि दोनों सिमिलर होता है एक दूसरे का। जैसे कि स्क्वायर से आपका क्यूब बनता है तो रेक्टेंगल से आपका क्यूबॉइड बनता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सपोज ये क्या है, क्यूब से, ठीक है, क्यूब है, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्चुअली इसमें भी क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, पर इसमें क्या होता है, इक्वल होते सारे, आपका सारा लेंथ जो इधर है इस साइड जो ऊपर है वो सारे लेंथ के आपस में इक्वल है। तो इसका हम एक ही नेम दे देते हैं, दैट इज सबका सेम, इसमें हम क्या दे दिए, ए दे दिए, यानी कि इसका हाइट भी क्या है, ए है, और इसका ब्रेथ जो है ना वो भी क्या है, ए है, ठीक है। जो ब्रेथ है वो भी ए है, जो लेंथ है वो भी ए है, मतलब सिमिलर है सब आपका, ठीक है, कोई आपका साइज डिफरेंट नहीं है। तो आप इसको क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका क्यूब बना है इसमें भी आपको वर्टेक्स अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे 4 1 2 3 4 4 4 8 आपके पास टोटल वर्टेक्स कितने, 8 है। सरफेस अगर देखेंगे तो आप देखे होंगे लूडो के लिए जो आप सिक्सर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है, आपका शेप ये क्यूब का शेप का ही रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऊपर उसमें भी आपका सरफेस कितना, ऊपर नीचे 2, इस साइड 2 4 और इस साइड आगे और पीछे, तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल आपका 6 है। तो सरफेस भी कितना रहेगा, टोटल 6 रहेगा। और जो साइड साइज में देखेंगे तो उसमें भी आपका 12 ऊपर में 4 नीचे में 4 और 1 2 3 4 आपके पास टोटल कितने हैं, आपके पास 4 4 यानी कि 12 हो गए, ठीक है। तो आपके पास जितने जितना आपका क्यूबॉइड में आपका वर्टेक्स है सरफेस और साइड से, उतना ही आपका क्या है, क्यूब में भी वर्टेक्स है सरफेस और साइड से। तो नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब TSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमको पता है कि
इसका एक कितना होगा, एक अगर आप एक आपका स्क्वायर का वाला पार्ट निकाल लीजिएगा, मतलब सिर्फ एक आपका सरफेस निकाल लीजिएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। सिर्फ इस पार्ट को अगर आप देखें तो इसमें अगर आप एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा सिर्फ एक का, और इसमें टोटल कितने सरफेस है, सिक्स है, ऊपर नीचे इस साइड इस साइड और पीछे और आगे, टोटल कितना हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट कोई भी आप लगाइए, सेंटीमीटर या फिर मीटर कोई भी हो जाएगा, तो वो स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक एक जो सरफेस है उसका क्या होता है, मेरा ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो सिक्स है टोटल, तो हम क्या लगा देंगे, सिक्स इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कैलकुलेशन करें तो हमको पता है एक तो आपका ए स्क्वायर होता है, तो अगर आप फोर का इस्तेमाल कर रहे हैं फोर सरफेस का, तो आप क्या निकले, फोर ए स्क्वायर, यानी कि लैटरल में क्या होता है, फोर ए स्क्वायर ही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर फोर ए स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ फोर सरफेस का यूज करते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले का छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट हो जाएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें क्या कर रहे थे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कर रहे थे, क्योंकि तीनों अलग अलग था आपका साइज, तो तीनों का मेजरमेंट अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या है, तीनों सेम ही है, ए ए ए, तो हम क्या करते हैं, ए इंटू ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए क्यूब। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम का जब यूनिट लिखते हैं ना, तो ये क्यूब में क्यूब क्यूब यूनिट होता है, क्यूबिक यूनिट, और वी कैन राइट इट राइट मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका यूनिट में हम क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं हमेशा। ठीक है, क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक क्यूबिक यूनिट होता है, एक तरफ से कह सकते हैं। ठीक है, हमेशा क्यूबॉइड में भी बताएंगे कि क्यूबॉइड में भी सेम है। ठीक है, वॉल्यूम के केस में किसी का भी वॉल्यूम, जिस तरह से किसी का भी एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा स्क्वायर लगाते हैं यूनिट में, मीटर स्क्वायर हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसी तरीके से जब भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें किसी भी सरफेस का, किसी भी डायग्राम का, किसी भी सॉलिड का, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में हमेशा क्यूबिक मीटर लगाते हैं, यानी कि क्यूबिक क्यूबिक यूनिट लगाते हैं, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो गया या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, नॉर्मली यहाँ से आपका ये आपका लॉन्गेस्ट आपका है। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपका ये डी हो गया, आपका बी पार्ट है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, अंडर रूट थ्री ए यूनिट। So, ये आपका क्या था, क्यूब का पार्ट था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका 3D डायग्राम है, तो उसमें आपका एक आता है सिलेंडर शेप, सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का शेप कैसे होता है, कुछ इस तरीके से, आप लोग अपने घर में सिलेंडर देखे होंगे बहुत सारा, कोई भी पाइप देखे होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली वो सब क्या होता है,
आपका सिलेंडर शेप में ही होता है, ठीक है, जो कि क्या रहे गोल रहे लेकिन उसमें कुछ एक लेंथ हो। तो आप सपोज ऊपर में सिलेंडर शेप बनता किससे है, आप समझिए ये एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर नीचे क्या लगा दिया, एक सर्कुलर सर्कुलर आपका रहता है, ठीक है, ऊपर और नीचे एक सर्कल रहता है एक तरफ से, तो सर्कल का तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा ही, तो सपोज ये सेंटर है, उसी तरीके से नीचे में भी एक सेंटर होगा, दोनों सेंटर हमेशा आपके इक्वली, मतलब दोनों आपका लगभग आपका जब एक सेंटर बनता है ना तो ऊपर नीचे जो सर्कल रहता है वो इक्वली रहता है, यानी कि जितना रेडियस इसमें भी कुछ आर होगा, आर क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है सर्किल है, सर्किल में हमेशा आर आता है, हमेशा सेंटर आता है, इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका भी एक आर है, जो कि दोनों आर इक्वली होता है, क्योंकि दोनों क्या है सिलेंडर शेप पे, सिलेंडर शेप है और दोनों एक सिलेंडर शेप का दो ही आपका सर्किल है, ठीक है, दोनों ही सर्किल आपका एक ही सिलेंडर का है इसी वजह से, और यहाँ पे बस एक हाइट आ जाता है, तो हाइट को हम क्या लेते हैं नॉर्मली एच लेते हैं, ठीक है, तो आर से क्या हो गया यहाँ पे रेडियस, आर इज इक्वल टू रेडियस और यहाँ पे एच क्या हो गया हाइट, ओके सिलेंडर हो गया हाइट हो गया, और तो फिलहाल कुछ जरूरत नहीं है। तो सिलेंडर की अगर हम बात करें टोटल सरफेस, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया होता है और लैटरल सरफेस एरिया होता है, तो टोटल में क्या करते हैं ना कि पूरा लेते हैं, नीचे का सर्कुलर पार्ट भी ऊपर का भी, और लेकिन लैटरल की जब बात करते हैं हम सिर्फ क्या करते हैं ऊपर और नीचे का सर्कल है ना दोनों का एरिया छोड़ देते हैं, जिस तरह से क्यूब और क्यूबॉइड में क्या किया ऊपर का सर्फेस और नीचे का सर्फेस छोड़ दिए, उसी तरीके से इसमें भी क्या करते हैं ऊपर का सर्कल और नीचे का जो सर्कल बना हुआ है वो दोनों का हम एरिया छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर TSA इज इक्वल टू क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है अब हमको पता है, अब ये जो पार्ट है ना सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट, तो ये क्या हो जाता है एक्चुअली 2πRh प्लस, एक्चुअली पहले टोटल से पहले आप लैटरल जाएंगे, ठीक है, टोटल से पहले एक काम कीजिए आपको लैटरल पहले जाना जरूरी है, लैटरल इसमें हम क्या लिखते हैं LSA, तो ये क्या होता है 2πRh, ठीक है, तो एरिया क्या है 2πRh होता है, पाई तो आपको पता ही है दैट इज 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं, टू आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू, आर क्या है रेडियस है, एच क्या है हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये किस चीज का एरिया निकल रहा है, तो ये सिर्फ सर्कुलर पार्ट का एरिया निकल रहा है, ये जो आपका एरिया है इस सर्किल का और नीचे जो ये सर्किल है इसका एरिया कैंसिल कर दिया गया, मतलब ऊपर नीचे नहीं लिया गया, ठीक है। सपोज हम इसका बात करते हैं, यहाँ पे मुझे मेरे पास कोई सर्कुलर चीज नहीं है, ठीक है, सपोज एक बुक को लेते हैं और इसको क्या कर रहे हैं इसको फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, सर्कल सपोज ये सिलेंडर शेप में बन रहा है, ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है आपका हाइट है और ऊपर में एक सर्किल और नीचे एक सर्किल है सपोज, तो हम इसका और ये पार्ट ये दोनों को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, सिर्फ ये सर्कुलर का हम एरिया लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, मतलब कि इसमें ऊपर वाला जो सर्किल है उसका एरिया और नीचे वाला जो सर्किल है उसका एरिया इन्वॉल्व नहीं रहता, ठीक है, तो ये चीज आपको क्या लैटरल सरफेस एरिया। उसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि क्या है TSA, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, अब हमको पता है कि जो हम लैटरल में छोड़ दिए थे यानी कि ऊपर का और नीचे का जो एरिया उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इसमें तो 2πRh तो होगा ही, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया का जो एरिया है वो तो लेना ही है, साथ में ऊपर और नीचे दोनों का भी एरिया लेना है, यानी कि आपको पता है एक सर्कल का क्या एरिया होता है πr² प्लस नीचे वाले सर्कल का भी πr², तो क्या हो जाएगा 2πRh प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2πr², यानी कि ये πr² और उधर वाले πr² दोनों का क्या हो जाएगा 2πr² और इसमें हम क्या लेंगे 2πr को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा मेरा h प्लस r मिलेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका आ गया टोटल सरफेस एरिया का, क्या हो गया 2πr r प्लस h इतना स्क्वायर यूनिट
इतना स्क्वायर यूनिट, ओके टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब बच क्या रहा है, सिर्फ वॉल्यूम बच रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला नॉर्मली याद कर लेना है। याद क्यों करना है, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर एच, इसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, क्यूबिक यूनिट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद ही कर लीजिए। नॉर्मली कैसे आता है वो बता देते हैं। एक्चुअली सपोज ये सिलेंडर का पार्ट है ना, तो ये वाला जो सर्किल है नीचे वाले का, जब भी किसी का हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो उसका सरफेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके हाइट से, ठीक है। तो ये तो आपका हाइट हो गया, तो ये नीचे का जो सर्फेस है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक सर्किल है, सर्किल का क्या होता है एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है हाइट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब मेरे को पूरा वॉल्यूम मिल जाए। सपोज इस सिलेंडर में अगर पानी रखा हुआ है, तो बोलेंगे अगर कितना पानी है इसके अंदर, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ही निकालते हैं, क्योंकि इसमें कितना वाटर भरा हुआ है मेरे को सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से पता चलता है, ठीक है। तो ये आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इनटू एच हो जाएगा, इनटू एच तो पाई आर स्क्वायर एच, जो कि मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है, इट इज नथिंग, मतलब कि कोई सरफेस है, मतलब कोई फिगर है या फिर कोई डायग्राम है, उसके अंदर हम कितना स्पेस है उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्यूब है ना, तो इसके अंदर कितना आपका मटीरियल रह सकता है एक्चुअली, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम और कुछ नहीं है, बस किसी भी बॉडी या किसी भी शेप के अंदर कितना मटेरियल रह सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में, एक रूम का वॉल्यूम बोलते हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी हमेशा एयर प्रेजेंट रहता है, पूरा एयर कैप्चर रहता है ना, तो बोलेंगे कि रूम में एयर कितना है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। Tomorrow we will continue this chapter with some questions, okay? कैसे questions आते हैं, question बनाना बहुत जरूरी है इसके ऊपर। तो हम तीन topic देखे हैं, अभी आपका cylinder हो गया, cuboid हो गया and cube हो गया, बाकी जो बचा हुआ है जैसे कि वो हम इसके questions करने की बात करेंगे, ठीक है। तो please friends like this video and subscribe our channel Always Call Us. Thank you so much guys, goodbye and take care.